संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जनपद के खजनी विधानसभा का चुनाव 12 मई को सकुशल संपन्न हुआ। शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय से खजनी के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां रविवार को मतदान कराकर गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची और ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। जल्द से जल्द और से पुनः पढ़ लें कन्फ्यूजन का अधिक लिफाफा जो है बूथवार कराएंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल भी अपना पहला वहीं पे ही रिसीव कराएंगे और पीछे फेंकिए हमारा देखिए आएगा बता दीजिएगा। अरे झंडा गिराया निर्वाचन के उपरांत वापस आना शुरू हो गई हैं। अभी 30-40 पार्टियां लगभग आ गई हैं और 436 बूथ से सभी पार्टियां आनी हैं, तो अभी कुछ समय लगेगा, काफ़ी डिस्टेंट का एरिया है, तो वो भी पार्टियां आ रही हैं, सब सुरक्षित हैं, अभी सब मूवमेंट में हैं। ईवीएम यहाँ पर बैडमिंटन हॉल के पास एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी जाएंगी और वहाँ पर सीपीएमएफ सेंट्रल पुलिस फोर्स लग गई है और उसकी पूरी तैयारी है। मतगणना इसकी साथ में ही 23 तारीख को होगी। गोरखपुर और बांस गाँव के निर्वाचन हो जाने के उपरांत खजनी की और गोरखपुर की और बांस गाँव की सारी विधानसभाओं की काउंटिंग 23 तारीख को प्रातः 8 बजे सुबह से होगी। उसका जो गोरखपुर और बांस गाँव में हमारी जो लोकसभाएं हैं उसका मतदान 19 तारीख को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।